बेचने की तैयारी है। दिल्ली के सराय काले खां से अब बड़ी खबर है। देर रात सड़क किनारे बेसुध हालत में युवती मिली। सेना के अफसर को बेहोशी की हालत में मिली युवती। नशीला पदार्थ देकर युवती से रेप की आशंका। युवती एम्स में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है सराय काले खां से, दिल्ली से ये बड़ी खबर। देर रात सड़क किनारे बेसुध हालत में युवती मिली। सेना के अफसर की जब नजर पड़ी तो बेहोशी की हालत में युवती थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नशीला पदार्थ उसे खिलाया गया, उसके बाद दुष्कर्म उसके साथ किया गया है। फिलहाल तो ये आशंका है, लेकिन अभी युवती एम्स में भर्ती है, अस्पताल में भर्ती है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो दिल्ली के एम्स में भर्ती है युवती। इस्लामाबाद के कायदाए आजम यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में हुई इस झड़प में 26 छात्र घायल हो गए हैं, जिसमें एक छात्र की हालत गंभीर है। झड़प के दौरान छात्रों ने हॉस्टल के एक कमरे में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। हिंसा के बाद पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगले 10 दिनों के लिए हॉस्टल खाली कराने का आदेश दिया है।